आमतौर पर जब हम चिकन में स्टार्टर की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर चिकन लॉलीपॉप या फिर चिकन तंदूरी का नाम आता है, क्योंकि इन दोनों रेसिपी का जादू पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आज हम चिकन की एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो एक बेहतरीन स्टार्टर के साथ साथ एक स्नैक्स के रूप में भी लिया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं चिकन पकौड़े की। रेसिपी शुरू करने से पहले दोस्तों फटाफट से सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कर दो और हो सके तो प्लीज इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। रेसिपी की शुरुआत चिकन ब्रेस्ट से करेंगे। इस रेसिपी के लिए चिकन ब्रेस्ट सबसे बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि यह बोनलेस होता है और मैरिनेट होने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है। हमने चिकन ब्रेस्ट के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। मैरिनेट करने के लिए मैं लगभग आधा कप छाछ इसमें डाल देता हूँ। ध्यान रहे छाछ बहुत खट्टी ना हो। और अब लगभग आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे। हमें इसको कम से कम एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और एक घंटे बाद ये चिकन काफी सॉफ्ट हो जाएगा। एक घंटा हो गया है और अब मैं इसमें एक चम्मच लहसुन अदरक और हरा मिर्च का पेस्ट डाल देता हूँ और फिर इसे अच्छे से चिकन के साथ मिला लेता हूँ। अब मैं इसमें लगभग डेढ़ चम्मच बेसन, लगभग डेढ़ चम्मच अरारोट डालकर 10 से 12 ड्राई करी लीव्स को क्रश कर डाल देता हूँ। आप चाहे तो फ्रेश करी लीव्स का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी, आधा चम्मच क्रश्ड काली मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च और आधा चम्मच से थोड़ा सा कम भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर इसमें एक अंडे के व्हाइट पोर्शन को डाल देना है। एग योक को हम बाद में यूज करेंगे। कुछ कटी हुई हरी मिर्च डालकर इन सभी को अच्छे से चिकन के साथ मिला लेना है और फिर लगभग 30 मिनट तक रख देना है। लगभग 30 मिनट हो गए हैं। स्वाद अनुसार नमक को ऐड करेंगे और अब बचे हुए एग योक को इसमें डाल देना है। सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। अब बस हमको एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल को गर्म करना है और फिर एक एक करके चिकन को फ्राई कर लेना है। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है। गैस को ऑफ कर देते हैं और चिकन को निकाल लेते हैं। इस रेसिपी को आप हरे धनिये की चटनी और टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। हरे धनिये की चटनी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। यह देखिए है ना कितनी क्रिस्पी चिकन पकौड़े। यह जितने ऊपर से क्रिस्पी लग रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अंदर से सॉफ्ट है। आशा करता हूँ यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपी आप तक पहुंचती रहे।